नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की दहशत अभी भी कायम है, ऑपरेशन भेड़िया जारी है। तो आज फिर से यह ऑपरेशन चलाया गया है, दो भेड़ियों की तलाश अभी तक की जा रही है। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रही, लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। तो इलाके में दहशत का आलम है, दो भेड़िए अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। चार भेड़िए अब तक पकड़े गए हैं, रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन चली है और दहशत का आलम इस इलाके में यह कि छोटे छोटे मासूम बच्चे घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं, उन्हें स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को खास तौर पर ये भेड़िए निशाने पर लेते हैं, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ड्रोन की मदद ली जा रही है भेड़ियों की तलाश के लिए। बीच बीच में ये भेड़िए नजर भी आते हैं झुरमुट में छिपे हुए जंगल के बीच, लेकिन उसके बाद फिर से ये फरार हो जाते हैं। चप्पे चप्पे पर सघन जांच अभियान, तलाशी अभियान जारी है। कल भी एक भेड़िया पकड़ा गया था, चूंकि कई जगहों पर पिंजरे वगैरह भी लगाए गए हैं तो उसमें एक भेड़िया पकड़ में आ गया था, लेकिन दो भेड़ियों के बारे में कहा जा रहा है अभी भी कोई सुराग उनके बारे में मिल नहीं पाया है। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास। संजय ने इस खबर पर लगातार नजर बनाकर रखी है, आज क्या अपडेट है संजय? दो भेड़िए जो अब तक नहीं मिले उनके बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए अपडेट तो ये है कि पिछले तीन दिनों में भेड़िए के अटैक का कोई मामला सामने नहीं आया, ये सुखद खबर है। ये अलग बात है कि अभी भी दो भेड़िए जिन पर आदमखोर होने का शक है उनकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो ग्रामीण हैं वो बेहद दहशत में हैं, वो डरे हुए हैं, रात रात भर कॉम्बिंग करते हैं। और हैरानी की बात अखिलेश ये भी है कि जिन जगहों पर भेड़ियों का अटैक हुआ है, दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ वन विभाग की टीम लगाई गई है, वहाँ पुलिस की टीम लगाई गई है, वहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं, लेकिन जब हम लोग रात में उन गाँवों में पहुँचे तो हमने देखा कि इन गांवों में ना तो बिजली आ रही है और ना ही हमें कोई वन कर्मी या पुलिस का सुरक्षाकर्मी वहाँ पर नजर आया। अब गांव के लोग रात में कितने एरिया को अंधेरे में कवर कर सकते हैं, ये हैरानी की बात है। बिजली ना आना संकट पैदा कर रहा, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को उठा करके भेड़िया ले जा रहा, जिस तरह से हमले कर रहा, वो खुले में कर रहा है। अब अंदर पैक होकर के अगर वो रहते हैं ग्रामीण, तो लाइट ना आने से उनका जीवन दुश्वार हो चुका है। बहरहाल इन सबके बीच में खबर यही है कि रात भर जो कई क्षेत्र जहां पर भेड़ियों के होने की छुपे होने की आशंका है, वहां पर ड्रोन के जरिए, थर्मल इमेजिंग कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है, कॉम्बिंग भी की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। कल एक भेड़िया सिसैया चूड़ामढ़ी से पकड़ा गया था, उसके बाद उसी इलाके में अन्य भेड़ियों के होने की आशंका है, तो उस पूरे इलाके में लगातार वन विभाग के लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। दो भेड़ियों का आतंक अभी तक मंडरा रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है अखिलेश, ये बड़ी खबर है कि सीतापुर और लखीमपुर में भी जंगली जानवरों के हमले की सूचना है। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि वो भेड़िया है या बाघ है, लेकिन जिन घरों में, जिन जगहों पर, जिन लोगों के साथ में ये हमले हुए हैं, उनका दावा है कि ये जंगली जानवर हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से या सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन इस तरह की जानकारी लगातार आ रही, चूँकि बहराइच से सटे हुए जनपद हैं, चाहे सीतापुर हो या लखीमपुर हो, ये सटे हुए जनपद हैं, और जिस तरह से यहाँ भेड़ियों को दबोचने के लिए खदेड़ा जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि वो दूसरे जिलों में अन्य जगहों पर भी जा सकते हैं। तो बहरहाल अभी इन जिलों से जो सूचनाएं आ रही हैं उनकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये जो भेड़ियों का आतंक है या जंगली जानवरों का जो आतंक है, वो अब केवल बहराइच जिले तक सीमित नहीं रहा है, ये अन्य आसपास के जो जनपद हैं उन तक भी पहुंच रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है जो जानकारी संजय आप दे रहे हैं कि हो सकता है कि ये भेड़िए भाग कर दूसरे जिलों में प्रवेश कर गए हो, क्योंकि यहाँ पर अब सख्ती बरती जा रही है, सघन अभियान जारी है उनको पकड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी हुई, गोरखपुर के जू में छोड़ा गया एक भेड़िया, बहराइच से पकड़े गए भेड़िए को चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया है, आज भेड़िए की जांच की जाएगी। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब ये भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया था, कुछ इस तरीके से ट्रैप में फंसा था ये पिंजरा, ये बड़ा जो आप जाला देख रहे हैं इसे रखा गया था वहां पर, और इसके अंदर जब भेड़िया प्रवेश कर गया तो अचानक से ये खुद ब खुद बंद हो जाता है, इस तरीके से धर दबोचा गया इस भेड़िए को। बहुत ही खूंखार ये भेड़िए हो चुके हैं, इंसानी खून की लत इन्हें लग चुकी है, जिस तरीके से ये इंसानों पर हमले करने लगे हैं। तो बहराइच में सर्च ऑपरेशन जारी, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गोरखपुर में जू में इस भेड़िए को छोड़ा गया है, वहां पर इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि दो और जो भेड़िए आदमखोर बताए जा रहे हैं, खूंखार बताए जा रहे हैं,
उनका कुछ अता पता नहीं लग पाया है। खूनी पंजे से सामना हो रहा है उस इलाके में लोगों का, ऐसे में जाहिर तौर पर लोग डरे सहमे घबराए हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय धन्यवाद आपका। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोग खौफजदा हैं। अब तक भेड़ियों के हमलों में 9 लोगों की जान जा चुकी है। बहराइच के 30 गांव में भेड़ियों की दहशत है। अभी भी लोग रात रात भर जगकर पहरा दे रहे हैं। वहीं भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की कई टीमें बहराइच में भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई हैं। इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और अब तक 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 2 की तलाश जारी है।